नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बयानबाजी जारी। ट्रंप के बयानों से उग्र हुए प्रदर्शनकारी, तो वहीं ट्रंप और ट्विटर के बीच हुए विवादों में अब स्नैपचैट की भी हुई एंट्री। वहीं स्नैपचैट ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अकाउंट की प्रमोशनल कैटेगरी को किया रिमूव। स्नैपचैट ने जारी किया बयान, कहा ट्रंप के अकाउंट को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रचारित नहीं करेगा स्नैपचैट। अमेरिकी राष्ट्रपति की नस्ल भेदी टिप्पणियों को बताया मुख्य कारण। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत पर बवाल। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का हुआ अपमान, तो वहीं पूरे मामले की जांच में जुटी यूनाइटेड स्टेट्स पुलिस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिया बड़ा फैसला। साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा। ऊर्जा संयंत्र से 20,000 टन डीजल बहने के बाद पुतिन ने लिया फैसला। भारत और चीन के बीच तनाव जारी। लद्दाख के पास भारत की ओर से हवाई पट्टी का काम हुआ तेज, तो वहीं एलएसी के पास भारतीय सेना ने तैनात की बोफोर्स गन। वहीं चीन का सामना करने के लिए भारतीय सेना मुस्तैद। लद्दाख सीमा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की सीमा के पास भी भारत ने बढ़ाई मुस्तैदी। सड़क और पुल निर्माण के काम में भी लाई गई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई वर्चुअल बैठक। दोनों देशों के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा, तो वहीं कोरोना, निवेश और आपसी व्यापार पर भी हुआ विचार विमर्श। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर दिया जोर। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म प्रक्रिया हुई शुरू। कोरोना से जारी जंग में सीएम योगी का सहयोग। स्वास्थ्य विभाग को सौंपा अपना सरकारी प्लेन। अब कोरोना टेस्टिंग के लिए जरूरी मशीनों की खेप लेने गोवा जाएगा मुख्यमंत्री का सरकारी प्लेन। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने की उद्योगपति राजीव बजाज से चर्चा। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने दी प्रतिक्रिया, कहा लॉकडाउन से चौपट हुई इकोनॉमी, तो आम आदमी के नजरिए से लॉकडाउन है काफी कठिन। राहुल गांधी और राजीव बजाज की चर्चा को सीएम गहलोत ने बताया महत्वपूर्ण, कहा लॉकडाउन से औद्योगिक क्षेत्र हुआ प्रभावित। ये बातचीत आर्थिक दृष्टिकोण से समस्या निकालने का एक तरीका। केरल में गर्भवती हत्या की मौत के बाद मामले ने पकड़ा तूल। पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल। मामले की जांच के हुए आदेश, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दोषियों को न बख्शने का दिया आश्वासन। हथिनी की मौत पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने शुरू की मुहिम। कपिल ने सोशल मीडिया के जरिए की सभी से एक याचिका पर साइन करने की अपील। कपिल ने अपील का लोगों ने किया समर्थन। दिया मिर्जा, गौतम गुलाटी और संगीता घोष जैसे कई सितारों ने सोशल मीडिया पर जाहिर किया दुख। रिजर्व बैंक ने मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज माफी की मांग को बताया गलत। सुप्रीम कोर्ट में दिलाया हलफनामा, कहा इससे बैंकों को भारी नुकसान। मामले की शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लोन फ्रॉड मामले में जेके कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहम्मद शफी डार को 223 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड मामले में किया गिरफ्तार। रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के पक्ष में 223 करोड़ रुपए के लोन को दी थी मंजूरी। किश्तवाड़ में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। हिजबुल का आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त। मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और युद्ध के सामान बरामद। आतंकी अमीन भट्ट का बताया जा रहा गुप्त ठिकाना। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका। जमा पर ब्याज दरों में की कटौती। 50 लाख रुपए तक की रकम पर 3% वार्षिक ब्याज दर तय। 1 जुलाई से प्रभावी होगी घटी हुई ब्याज दरें। पंजाब के मोगा में यूथ कांग्रेस के नेता वरुण जोशी पर ब्लैकमेलिंग और रेप का मुकदमा दर्ज। युवा नेता पर पीड़िता से 4 लाख रुपए की जबरन वसूली का आरोप। पुलिस ने युवा नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस किया दर्ज। हरियाणा की नोहर फीडर नहर में दुपट्टे से बंधे 4 शव बरामद। चारों शवों की नहीं हो सकी पहचान। पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। दिल्ली में मास्क लगाए बदमाशों का आतंक। आईआईटी फ्लाईओवर के पास बाइक सवार बदमाशों ने पायलट से की लूटपाट। कनपटी पर पिस्टल लगाकर वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए मंत्री खन्ना। यूपी के रायबरेली में बेरहम पति की करतूत। पत्नी की पीट पीट कर की हत्या। वारदात का वीडियो आया सामने। आरोपी पति की तलाश में जुटे पुलिस।
यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे तो वहीं दूसरा फरार। यूपी के बिजनौर में दर्दनाक हादसा, ओवरलोड डंपर ने मारी बाइक सवार को टक्कर, हादसे में एक बाइक सवार की हुई मौत, वहीं एक बच्चे गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, विवाद में दोनों पक्षों के तीन लोग हुए घायल, खेत में पानी चलाने को लेकर हुआ था झगड़ा, चरथावल थाना क्षेत्र के कान्हा हेड़ी गांव का मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार सवार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 50,000 का इनामी बदमाश घायल, पुलिस ने आरोपी से किया हथियार बरामद, वहीं दूसरा आरोपी हुआ फरार। मशहूर रेसलर कर्ट एंगल ने ठुकराया WWE का ऑफर, रिटायरमेंट को लेकर दिए बड़े संकेत, मैट्रिडल में मैनेजर के लिए मिला था मौका। अनलॉक के चलते सराफा बाजार में लौटी रौनक, सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, शादी के सीजन में सोना हुआ सस्ता तो वहीं चांदी भी रही नरम। वरिष्ठ गीतकार अनवर सागर का निधन, 70 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस, याराना, सपने, साजन के खिलाड़ी और विजय पर जैसे कई हिट फिल्मों के लिए लिखे थे गीत। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक और झटका, कास्टिंग डायरेक्टर कृष कपूर का हुआ निधन, 28 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज ने ली जान, रोड एक्सीडेंट की खबरों का परिजनों ने किया खंडन। मशहूर डायरेक्टर बासु चटर्जी का मुंबई में निधन, 90 साल की आयु में ली अंतिम सांस, सांता क्रूज शमशान घाट में होगा बासु का अंतिम संस्कार। वहीं बासु चटर्जी ने करियर के शुरुआती दौर में बतौर इलस्ट्रेटर और कार्टूनिस्ट के रूप में किया काम, इसके बाद फिल्म मेकिंग में बनाई अपनी अलग पहचान, छोटी सी बात, रजनीगंधा, एक रुका हुआ फैसला और चमेली की शादी जैसी कई फिल्मों का किया निर्देशन। साल 1969 से लेकर 2011 तक फिल्म निर्देशन में सक्रिय रहे बासुदास, 7 बार फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड से हो चुके सम्मानित, तो साल 2007 में आईफा के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजे गए। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई पर भतीजी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, उत्पीड़न के आरोपों पर नवाजुद्दीन के भाई ने दी सफाई, ट्वीट पर लिखा कैसे कोई कानून को कर सकता है गुमराह। फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद के लिए आगे आई एक्ट्रेस नोरा फतेही, कई सरकारी अस्पतालों में डोनेट किए PPE किट, सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया संदेश, कहा कोरोना महामारी में वॉरियर्स की भी सुरक्षा जरूरी। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर बॉलीवुड सितारों की आई प्रतिक्रिया, करीना कपूर ने दिया प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन, कहा सभी हैं फ्रीडम और रेस्पेक्ट के हकदार। रिलायंस के राइट्स इश्यू को मिला 159% सब्सक्रिप्शन, मुकेश अंबानी ने निवेशकों को दिया धन्यवाद, पिछले एक दशक में लाया गया विश्व का सबसे बड़ा राइट इश्यू। सैमसंग गैलेक्सी A31 भारत में आज हो रहा है लॉन्च, गैलेक्सी A31 की कीमत भारत में 23,000 रुपए के आसपास, ब्लू, ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर ऑप्शन में मिल सकेगा फोन। कई राज्यों में मौसम ने ली करवट, मुंबई में तेज बारिश का दौर जारी तो वहीं शिमला में हुई जमकर बर्फबारी, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दी भारी बारिश की चेतावनी। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो वहीं 3,87,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान, वहीं 31 लाख से ज्यादा संक्रमित इलाज के बाद हुए ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार, तो अब तक 6,000 से ज्यादा संक्रमितों की हुई मौत, वहीं 1 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना का प्रकोप जारी है, आज 68 कोरोना पॉजिटिव आए सामने तो वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 9,720। भरतपुर में कोरोना विस्फोट के बाद चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, 470 पर पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तो वहीं नगर निगम इलाके में लगा महाकर्फ्यू। 12 में कलेक्टर और SP ने किया कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, पैदल ही लिया शहर के हालात का जायजा, आला अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अनलॉक 1.0 के चलते जोधपुर में रोडवेज बसों का संचालन शुरू, निजी बस संचालकों ने लगाई CM गहलोत और परिवहन मंत्री से गुहार, निजी बसों का संचालन शुरू करने की मांग। अजमेर के नसीराबाद में कोरोना का प्रकोप, एक और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने से मचा हड़कंप, मुंबई से नसीराबाद लौटा था युवक, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा। अजमेर की माहेश्वरी पब्लिक स्कूल ने COVID-19 नियमों की उड़ाई धज्जियां, बिना अनुमति के 9वीं और 11वीं की छात्रों की ले रहे थे पूरक परीक्षा, मामला उजागर होने के बाद प्रशासन आया हरकत।
कोरोना वायरस की मार झेल रहे व्यापारी और आमजन का सिरदर्द बना बिजली का बिल। भीलवाड़ा के विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने सिक्योर मीटर्स कार्यालय पर किया अनूठा प्रदर्शन। अपना अपना खून निकालकर कंपनी के अधिकारियों के सामने रखा। भरतपुर के बयाना में व्यापार संघ की मुहिम, कोरोना के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। व्यापारियों को दिलाई मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की शपथ। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने लिखा सीएम गहलोत को पत्र। मंत्री ने की सीएम से पीड़ितों के हक में पहल करने की मांग। कहा सरकार को समझना चाहिए पीड़ितों का दर्द। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जीपीएफ विभाग का बाबू रघुवीर सिंह घूस लेते गिरफ्तार। 2500 रुपए की घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। परिवादी से जीपीएफ का बिल बनाने की एवज में मांगी थी घूस। पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस, पूर्ण रूलिंग पेश करने के लिए मिला शुक्रवार तक का वक्त। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी, आनंद शर्मा और विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पुनिया ने की ईडी की ओर से पैरवी। राजेंद्र गढ़वाल की हत्या मामले में एसओजी को मिली बड़ी सफलता, एसओजी ने हत्या के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी संदीप को हरियाणा के बेरियान से किया गिरफ्तार। बीकानेर के कोलायत में वन विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई, हिरण शिकार मामले में तीन आरोपियों को बंदूक समेत किया गिरफ्तार। शिकार के बढ़ते मामलों को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश। श्रीगंगानगर में हथियारों के साथ घर में घुसे पांच बदमाश, मौके पर मौजूद लोगों ने तीन को पकड़ा, दो बदमाश हुए फरार। वार्डवासियों ने किया लुटेरों को पुलिस के हवाले, डी ब्लॉक फसीलों वाली डिग्गी के पास की घटना। हनुमानगढ़ में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, बिजली चोरी के मामले का किया भंडाफोड़, करीब 20 लाख रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। दूध चीलर प्लांट में दिया गया कार्रवाई को अंजाम। दौसा के सिकंदरा गीजगढ़ मार्ग पर नहना के तबारे के पास मिला अज्ञात शव। सिकंदरा एसएचओ राजपाल सिंह में जाब्ता पहुंचे मौके पर, वाहन की टक्कर होना मौत का कारण बताया जा रहा है। भीलवाड़ा के सवाईपुर में चोरों का आतंक, ढेलाना गांव में चोरों ने तीन घरों को बनाया निशाना, नकदी और आभूषणों पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर के डीग में सेकंड बैंक मैनेजर की दबंगई, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, गोपाल सिंह ने बैंक कैशियर से की मारपीट। भीषण गर्मी के बाद कोटा शहर के कई इलाकों में पेयजल का संकट, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के अभियंता से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन, बिगड़ी पेयजल व्यवस्था पर जताई नाराजगी। जालौर के भीनमाल में लोगों पर मंडराया पेयजल संकट, भाटों के मोहल्ले में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, जल्द सुनवाई न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। प्रतापगढ़ के धरियावद में विधायक गौतम लाल मीणा ने लिया आंधी तूफान से हुए नुकसान का जायजा, तेज तूफान के चलते दर्जनों परिवारों को हुआ भारी नुकसान, विधायक ने दिया ग्रामीणों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के लोगों ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, चोरों पर अंकुश लगाने की मांग, आए दिन चोरी की वारदातों से लोग परेशान, रात्रि गश्त बढ़ाने की भी की मांग। चूरू के तारानगर में फर्जी मेडिकल स्टोर और झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई, बिना लाइसेंस के चल रहा था मेडिकल स्टोर, तो वहीं मौके से एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी की बरामद। पाली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत, तो वहीं आसमान में नजर आया सतरंगी इंद्रधनुष। A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।